हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि कम्प्लीटली एनर्जी पे बेस्ड है। बीइंग एनर्जी हीलर, मैंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली वर्क किया हुआ है। मैंने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड बुक्स मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली इस फील्ड में स्टडी किया, और जब इसमें से कई चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मैंने अपने लाइफ में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखे। और इन्हीं रूल्स एंड इन्हीं टिप्स को जब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया और उनकी लाइफ में जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे। तो इन्हीं रिजल्ट्स के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि क्या होती है ये एनर्जीज और ये कैसे हमारे रिलेशनशिप के डायनामिक्स में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर दोनों ही एनर्जीज प्रेजेंट होती है। मेल्स के अंदर भी फेमिनाइन मैस्कुलाइन होती है और फीमेल्स के अंदर भी फेमिनाइन मैस्कुलाइन होती है, बट द डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ दैट एनर्जी। मेल्स के अंदर फेमिनाइन एनर्जी 20-30% है जबकि मैस्कुलाइन एनर्जी 70-80% है। फीमेल्स के अंदर फेमिनाइन एनर्जी 70-80% है बट मैस्कुलाइन एनर्जी 20-30% है। पर दोनों को दोनों ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फीमेल बहुत ही क्रिएटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लोई होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन में हमें कुछ ऐसा काम करना है जो कि बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, जो कि मुझे कम समय में वो काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि जब मुझे एक रिजल्ट चाहिए, मुझे मेरा कोई गोल है, तो इट इज़ ऑल अबाउट मैस्कुलाइन एनर्जी। तो उसको कंप्लीट करने में या फिर कोई हैवी लिफ्टिंग करने में, ये भी एक कंप्लीटली मैस्कुलाइन एनर्जी का काम है। इन चीज़ों पे मुझे वर्क करना है तो मुझे अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को एग्जिबिट करना पड़ेगा, उस मैस्कुलाइन एनर्जी से मैं अपना काम कंप्लीट कर पाऊंगी। ऐसा ही मेल्स के साथ होता है, जब वो पूरे दिन वर्क करके आते हैं तो टोटली अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, पर वो घर आने के बाद वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एग्जिबिट करने लग जाते हैं। देखा होगा आपने कि घर आने के बाद वो बच्चों के साथ कडल करने लग जाते हैं, बिंज वॉच करने लग जाते हैं, नेटफ्लिक्स मूवीज देखने लग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करने लग जाते हैं या इंजॉय करने लग जाते हैं। उस काम के लिए वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी का यूज करते हैं। तो दोनों को दोनों की ही एनर्जी चाहिए होती है, बट इट इज ऑल अबाउट पोलैरिटी। हमको पोलैरिटी का ध्यान रखना है। ये जो 70-80% एनर्जी है ना दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर 20-30% जो उनके ऑपोजिट एनर्जी है, वो एक पोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जितनी ज़्यादा ये पोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा ये अट्रैक्शन बना रहेगा, और जितना ज़्यादा ये अट्रैक्शन बना रहेगा उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कि इस नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोलैरिटी और अट्रैक्शन अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। यही पोलैरिटी हमको हेल्प करती है कि हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर हम हमारे जीन्स डाल सकें। बट हुआ क्या है, धीरे धीरे जो हमारा एनवायरनमेंट जो चेंज हो गया है, इस ड्रास्टिक चेंज की वजह से फीमेल्स जब अपने ऑफिस में जाना शुरू किया, फीमेल्स ने वर्क करना शुरू किया, The office place and the workplace is all about structure. It is all about goals. तो वो environment पूरी तरीके से masculine environment है। जब females वहाँ जाती हैं और उस environment में interact करती हैं तो उनकी energy पे भी effect पड़ता है। लेकिन जब वो घर आती हैं तो वो अपने masculine energy से switch करना भूल जाती हैं, क्योंकि वो इतनी conscious नहीं है। अगर वो कॉन्शियस होती तो अपनी एनर्जी को स्विच कर लेती, वो अपनी फेमिनाइन एसेंस में वापस आ जाती। लेकिन इस एनवायरनमेंट ने क्या कर दिया, हमें सब कॉन्शियसली इतना हैवी कर दिया है कि हम उस एनर्जी का स्विच जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, उस एनर्जी को स्विच नहीं कर सकते हैं। पर घर आते हैं जब हम हमारे पार्टनर को देखते हैं तो हमारा जो पार्टनर होता है, स्पेशली मेल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस इंसान होते हैं। वो अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। अगर वो देखते हैं मेरी पार्टनर जो है मैस्कुलाइन एनर्जी एग्जिबिट कर रही है तो वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी एग्जिबिट करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास दोनों ही एनर्जी है। ताकि ये पोलैरिटी और ये डायनेमिक के अंदर ये पोलैरिटी मेंटेन रहे ना, इसलिए मेल्स अपनी ऑपोजिट एनर्जी में आ जाते हैं। बट ये ह्यूमन का इंस्टिंक्ट नहीं है। फीमेल्स के अंदर डोमिनेंटली फेमिनाइन एनर्जी होनी चाहिए,
और मेल्स के अंदर डोमिनेंटली मैस्कुलाइन एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे जब रोल का रिवर्सल कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमको पता लगेगा कि हमारे ट्रेड्स क्या हैं। अगर हमें ये पता लगेगा हमारे ट्रेड्स क्या हैं, तो हम इजिली पहचान पाएंगे कि अभी मैं कौन सी एनर्जी एग्जिबिट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग हम हमारी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। When we know better, we do better. तो इन्हीं सभी ट्रेड्स के बारे में जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा तब तक के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।